गई हूँ वापस। और आज है मेरे घर पर जो बच्चे रहते हैं उनमें से एक का बर्थडे, तो अभी हम लोग उसे दे रहे हैं सरप्राइज वाला बर्थडे केक का मैंने अरेंजमेंट किया है। तो चलो दिखाते हैं उन लोगों का रिएक्शन कैसा है। तो ये है हमारा बर्थडे केक, और केक मैं रात में ही ले आई थी, पर रात में इतनी थकी थी कि हिम्मत ही नहीं। मेरे पास भी है यार, नहीं ग्रीन वाला, हां ये है ग्रीन कलर का। स्नैप छोड़िए ना, नहीं छोड़ सकते। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कट बोल रही हूं ऊपर, आप मम्मी पर बताते हैं, आपके जो भाई है ना कल स्नैप केक फ्रीजर में, मेरे यहाँ सारी की सारी इसको रात में लेके आए और इसने क्या किया, उठा के फ्रीजर में रख दिया। हमको पता भी नहीं था, सुबह केक ढूंढ रहे, केक कहाँ गया। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम, और मुझे रात शाम को पता नहीं क्यों दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और पेन ये मुझे जब मैं घर गांव से वापस आई ना तभी से था। तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर को दिखा लेते, तो अभी उनका ही वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। और आप सोच रहे होगे ये क्या है, तो ये है ग्लव्स जिसमें बर्फ़ है, और ये बर्फ़ मैं क्या करने वाली हूँ वो भी आपको बता ही देती हूँ। दोस्तों मैं गई थी डॉक्टर के पास अपने दांत दिखाने के लिए, बट मुझे दांत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो दांत में पस पड़ गया था, तो डॉक्टर ने दांत को निकालने का सजेशन दे दिया और मुझे अपना दांत निकलवाना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन अभी है, तो उसी की सिकाई के लिए ये ग्लास डॉक्टर ने दिया हुआ है। तो अभी मैं सिकाई कर रही हूँ, और थोड़ा सा सूजन आप मेरे चेहरे पर देख सकते हो। तो चलिए मैं आपसे सुबह मिलती हूँ दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं अभी कर रही हूँ बर्फ़ से सिकाई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हर दो दो घंटे पे बर्फ़ से सिकाई करने के लिए बोला है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ, अब मेरे फेस पे सूजन देख सकते हैं। तो ये वाला जो साइड है, इसी साइड का जो दांत है ना वो मैंने निकलवाया था, और मैं दांत निकलवाने के पर्पज़ से बिल्कुल नहीं गई थी। एक्चुअली मैं मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कल, जब मैं गांव से लौट कर आई उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो जो थोड़ी बहुत अगर पेन किलर वगैरह है तो वो मुझे दे देंगे, तो उससे आराम हो जाएगा। तो यही सोच के मैं गई थी, और ये जो बर्फ़ है इससे सिकाई करने को मुझे बोला है हर दो दो घंटे पर, तो इसलिए मैंने इसे, ये डॉक्टर ने ऐसे ही दे दिया था मुझे फिल करके, तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, तो इसी से ही सिकाई कर रही हूँ बार बार। तो मैं डॉक्टर को सिर्फ दिखाने के लिए गई थी, तो दिखाने गई तो वहाँ पर उन्होंने मेरे जो दांत था उसका एक्सरे किया, और एक्सरे करने के बाद पता चला कि जो मेरा दांत था उस पर पहले से RCT हुई थी, तो पूरी RCT निकल गई थी दांतों से। तो बाद में पता चला कि उसके अंदर पस हो गया है, क्योंकि RCT निकली हुई काफ़ी टाइम हो गया था, बेकार हो गई थी RCT, और उसमें अंदर पस बन गया था। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि दोबारा RCT कराने का कोई मतलब नहीं है, मुझे पेन हो रहा है, तो RCT मत कराइए, इससे अच्छा है आप दांत को निकलवा दीजिए, क्योंकि उसमें अंदर पस बन चुका है, आप आगे आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल होगा। तो फिर मुझे जाकर डिसीजन वहीं पर लेना पड़ा कि क्या करना है। तो हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है निकलवा देते हैं, तो इमरजेंसी में ही मुझे तुरंत अपना दांत निकलवाना पड़ा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने कोई दांत अपना निकलवाया है, अभी तक टच वुड मैंने कोई भी दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, फर्स्ट डे दांत निकला है और फर्स्ट टाइम निकला एक्चुअली में। तो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, और दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों ने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, बहुत अच्छे से दांत को निकाला, मुझे पेन उस समय बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने दांत को सुन्न कर दिया था,
और अभी भी मुझे थोड़ा सा उतनी सूजन नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा था सूजन हो सकता है मे भी 2 दिन के बाद आए, तो ज़्यादा बोलना नहीं है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वही इंस्ट्रक्शन मैं फॉलो कर रही हूँ अभी। और बस मैंने कहा आपको अपडेट दे देते हैं कि क्या हुआ है, अचानक से इमरजेंसी में मुझे ये क्या कराना पड़ गया। तो इमरजेंसी में ही मुझे इसे ऑपरेट कराना पड़ा, वरना मेरा ऐसा कोई डिसीज़न नहीं था। तो बहरहाल अभी मैं ठीक हूँ, अभी मॉर्निंग की मैंने दवा खाई है, बच्चों को स्कूल भेजा है और हस्बैंड बेटी को छोड़ने गए। मॉर्निंग वाली दवा मैंने खा ली है, थोड़ी सी सिकाई करानी है तो वो बस अभी थोड़ी देर में कर रही हूँ। मैं आपके सामने ही करी है तो उसे कर लूँगी भी। तो चलिए फिर थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ और बताती हूँ आगे का अपडेट कि क्या है कैसा है। तो मैंने सुबह सब्जी बना ली थी क्योंकि आजकल हस्बैंड लौकी की सब्जी और रोटी नाश्ते में खा कर जाते हैं, तो उनके लिए सादी जो सब्ज़ी होती है जीरा और हरी मिर्ची वाली वो वाली सब्ज़ी बना ली है। और एक तरफ जो है आटा भी सान के रख दिया है, जैसे वो नहा के आते हैं वैसे मैं उनके लिए रोटी सेक देती हूँ, वो खा के चले जाते हैं ना। फिर दिन में उनका कोई कन्फर्म नहीं होता है कि वो कितने बजे आएँगे या नहीं आएँगे, खाना खाने का टाइम मिलेगा या नहीं, तो मॉर्निंग में खा के जाते हैं तो थोड़ी सी तसल्ली होती है। सब्ज़ी पक गई थी लौकी की, तो यहाँ इसी कढ़ाई में मैंने बच्चों के लिए बॉयल आलू की जो फ्राई वाली सब्ज़ी होती है वो बना दी, क्योंकि बच्चे लौकी नहीं खाते हैं, हम दोनों तो खा लेते हैं। तो आलू बॉयल रखे हुए थे 3-4, तो मैं सोचा चलो इससे बच्चों की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो जल्दी से मैंने बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाई और एक तरफ हस्बैंड की भी सब्ज़ी बना दी, हस्बैंड की नहीं लौकी की सब्ज़ी बना दी दोस्तों। और उसके बाद फिर रोटी सेक दूँगी, वो खा लेंगे। तो लंच लगभग तैयार है मेरा, और सिर्फ दाल चावल दोपहर में बना लूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि वो जब स्कूल से आएंगे ना तब बनाऊँगी। तो चलिए सब्ज़ी बन गई है मेरी, तो इसको निकाल लेती हूँ। एक तरफ मैंने दूध रखा है बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज पनीर बना लेती हूँ, तो दूध काफ़ी हो गया था क्योंकि 2 दिन हम बाहर रहे तो दूध रखा था। तो दूध को बॉईल कर लिया है, बॉईल होने के बाद उसको गैस बंद कर दी है और उसमें थोड़ा थोड़ा सा लेमन का जूस डालती जाऊँगी और इसको हिलाती रहूँगी। तो पनीर मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि घर पर ही बना लूँ, तो आज पनीर घर पर ही बना रही हूँ। तो आप देखिएगा मेरा पनीर कितना अच्छा सा घर पर बन के रेडी हो जाता है। ज़्यादा दूध नहीं था, 1 लीटर दूध था, तो मैंने कहा 1 लीटर का बना लेते हैं। 1 लीटर करीब मैंने रख दिया था शाम को बच्चों को पीने के लिए। तो ये देखिए अभी हल्का सा फटा है, और अभी मैंने जब लास्ट वाला नींबू का रस डाला ना, तो आप देख सकते हो कि पूरा दूध फट के अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। तो इसको हमें अच्छे से चलाते रहना, जितना ज़्यादा हम इसको चलाएंगे ना उतना अच्छे से पनीर आपका सॉफ्ट बनेगा, और जितने छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे उतना अच्छा से पनीर भी बन के निकल के आएगा। तो इसको अब मैं कर लूँगी ड्रेन, और मेरी जो छन्नी है ना वो टूट गई है बड़ी वाली, मुझे एक बड़ी छन्नी लानी है। तो इस छन्नी से बहुत ही मुश्किल से मैंने पानी ड्रेन किया, उसके बाद उसको आपको क्या करना है पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ आपको इसे वॉश कर लेना है। तो इसको मैंने फिर बड़े वाला जो छन्ना था ना उसमें रखा, थोड़ा सा इसमें मेरा जो पनीर का छीना था ना वो वेस्ट भी हुआ, लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे लानी ही है छन्नी। उसके बाद फिर मैंने इसको निकाल लिया एक कॉटन के कपड़े में, और कॉटन के कपड़े में निकाल के आप इसको कस के से बांध दीजिए ताकि जितना भी इसका पानी एक्स्ट्रा है ना वो सारा निचुड़ जाए और आपका जो पनीर है ना वो एक शेप में आ जाए। तो बस इसको मैं अच्छे से गांठ लगा दूंगी और हाथ से थोड़ा सा स्क्वीज़ करके सारा का सारा जितना भी पानी है वो मैं निकाल लूँगी। तो पानी मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसको इस तरीके से कपड़े पर ही रहने दूँगी, और इसके ऊपर एक भारी सा जो कुछ भी आप भारी एक कोई भी बर्तन रख दो, आधे घंटे के बाद आप देखोगे मेरा पनीर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। लगभग आधे घंटे मैंने इसे रखा हुआ था, और आप देखो मैं दिखाती हूँ आपको कि पनीर बन गया है एकदम बढ़िया सा। तो 1 किलो दूध में करीब 250 ग्राम पनीर मेरा निकल आता है, तो ये पनीर निकल आया है। आप देखिए अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो पनीर अच्छे से सॉफ्ट एकदम बन के निकला है। इसे अभी मैं एक बर्तन में ढककर थोड़ी देर के लिए और रखूँगी, फिर शाम को इसका इस्तेमाल करूँगी। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप घर पर पनीर बनाओ और बच्चों को खिलाओ। लंच मैंने बना लिया था क्योंकि हस्बैंड को निकलना था बाहर, तो लंच में मैंने बना लिया है सब्ज़ी और रोटी। उनके लिए लौकी की सब्ज़ी बनाई है और बच्चों के लिए आलू की फ्राई की हुई सब्ज़ी। दाल चावल मैं दोपहर में बनाऊँगी क्योंकि बच्चे जब आते हैं तभी गरम गरम खाना सब लोग खाते हैं। अभी मुझे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ है क्योंकि मुँह में थोड़े से छाले से भी हो गए हैं गर्म दवाओं की वजह से, काफ़ी ज़्यादा गर्म दवाई चल रही हैं।
और अभी जस्ट नहा के आई हूँ और बहुत ज़्यादा फेस डल डल सा लग रहा है। जब आप थोड़ा सा ना बीमार होते हो तो फेस पे साफ नज़र आ जाता है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि जो छाले हैं, जो दर्द है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बट व्लॉग तो बनाना ही था, आपको अपडेट तो देना ही था। और जो काम वाली है वो बर्तन कर रही है, तो वो बर्तन करके अभी चली जाएगी। और दो दिन हो गए हैं, दो दिन में आज दूसरा दिन एक्चुअली, मतलब दो दिन का मतलब है दूसरा दिन है। तो डॉक्टर ने बोला था थोड़ा सा पेन रहेगा दो दिन के बाद, मतलब हल्का फुल्का पेन रहेगा, बट आप दवाएँ खाते रहना तो दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो, ये हो नहीं था तो इसमें फिर सोचना क्या। और बाकी अपडेट आपके साथ क्या है वो आपको आगे व्लॉग्स में मिलती रहेगी। और मैं ये वाला जो व्लॉग है वो ज़्यादा आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मे बी कि अगर कुछ शूट कर पाई तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो मे बी अगर नहीं आपके साथ बात कर पाती हूँ तो ये वाला ब्लॉग जो है ना, इसे मैं फिर यहीं फिनिश कर दूँगी। और अगर कुछ शूट कर पाई तो आगे इसमें ज़रूर कंटिन्यू रहूँगी। तो आगे इसी तरह से बने रहिए दोस्तों, और आपको इस तरह से हमारी लाइफ के साथ जुड़े रहिए। तो आपसे मिलती हूँ फिर, तब तक दोस्तों बाय बाय।